नंबर वन, द 4B मेथड। दिस मेथड मैंने सीखी है ब्रायन ट्रेसी से, और इस मेथड में वो बोलते हैं कि अगर आपके पास एक टू डू लिस्ट है तो वो टू डू लिस्ट को आप 4 D's में डिवाइड करिए। पहला डी डू, दैट मीन्स यू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू डू इट। दूसरा डी इज डेलीगेट, यानी ये चीज आपको नहीं करनी है तो आप किसको डेलीगेट करेंगे वो लिख दीजिए। तीसरा डी डेफर इट, डेफर यानी आज अभी नहीं करेंगे आप, लेकिन कब करना है उसको आप स्केड्यूल करेंगे, दैट्स द थर्ड डी। एंड फोर्थ डी इज डंप इट, यानी ये चीज मुझे करनी नहीं है, इसको जहन से निकाल दो, इसको टू डू लिस्ट से निकाल दो, दैट्स द 4D मेथड बाय ब्रायन ट्रेसी। द सेकेंड टिप, 3210 व्हाट्सएप मेथड। अगर आपको लगता है कि आप पूरा दिन व्हाट्सएप पे रह रहे हो तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत काम आएगी। इस टेक्निक में क्या है, 3210 मींस आप अपना व्हाट्सएप सिर्फ 3 बार देखेंगे इन द एंटायर 24 आवर्स। यस, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, बट दैट्स गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। 3 बार आप देखेंगे, यू डिसाइड योर टाइम, मे बी सुबह 10 बजे, फिर शाम को 4 बजे, और मे बी रात को 10 बजे, वॉट एवर टाइम सूट्स यू। और इन दोस 3 स्लॉट्स आप एटलीस्ट 20 से 21 मिनट टाइम देंगे ताकि आपके जो भी मैसेजेस आ गए हैं उसको आप प्रॉपर स्टडी करो, रीड करो और रिप्लाई करिए, सो दैट आपका इनबॉक्स या जो भी आपका जो व्हाट्सएप का जो अनरेड मैसेज है वो 0 हो जाए। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर एवरी स्लॉट आपका अनरेड मैसेज हैज टू बी 0। दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड जो आपको पूरे दिन जो आप व्हाट्सएप पे रह रहे उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। 3210। टिप नंबर 3, डिसाइड ऑन योर फूड मेनू। यस माई फ्रेंड्स, दिस इज अ लो डिसीजन एक्टिविटी कि ब्रेकफास्ट में आज क्या खाना है। जैसे हमारे गुजराती में तो पोवा, उपमा, खाकरा, थेपला, इडली यही होता है जनरली। तो अगर आपको आपकी चीज का ब्रेकफास्ट चाहिए हो तो ठीक है, लेकिन डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन डिसाइडिंग ऑन थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट। इसका एक सेट मेनू बना दीजिए कि यार मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये होगा, ताकि आप अपनी एनर्जी हायर वैल्यू डिसीजंस में लगा पाओ। सो रिमूव दिस डिसीजन मेकिंग ऑन द लो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज लाइक योर मेनू एटसेट्रा। टिप नंबर 4, द पोमोडोरो टेक्निक। व्हाट इज दिस पोमोडोरो टेक्निक? पोमोडोरो टेक्निक मींस आप 25 मिनट्स काम करिए, फिर 5 मिनट इंटरवल लीजिए, रेस्ट करिए, ये 30 मिनट्स का एक स्लॉट हो गया। फिर वापस नेक्स्ट स्लॉट में 25 मिनट्स काम करिए, फिर 5 मिनट का इंटरवल लीजिए, ऐसे 4 स्लॉट्स में काम करिए, एंड आफ्टर 4 स्लॉट्स ऑफ हाफ एन आवर ईच देन यू टेक अ लॉन्गर ब्रेक फॉर 20-30 मिनट्स। दैट्स द पोमोडोरो टेक्निक जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। नंबर 5, द 2-मिनट रूल। वॉट इज दिस 2-मिनट रूल? 2-मिनट रूल बोलता है कि अगर कोई चीज 2 मिनट के अंदर अगर आप कंप्लीट कर सकते हो तो तुरंत कंप्लीट कर दीजिए। इसको आप डेलीगेट मत करिए, इसको आप डेफर मत करिए, इसको आप बाद में अपने टू डू लिस्ट में मत डालिए, ताकि वो आपकी चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी, ये चीज मुझे करनी बाकी है। दैट्स द 2-मिनट रूल। नंबर 6, ऑलवेज प्लान फॉर अ वीक। ये मैंने सीखा है स्टीवन कोवी से। स्टीवन कोवी बोलते हैं कि उनकी जो बेस्ट सेलिंग बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उन्होंने एक वीकली टेम्पलेट दिया है। व्हाई? सी, इफ यू हैव अ टू डू लिस्ट तो डेली लिस्ट में बहुत प्रेशर होता है कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, बट अ वीकली प्लानर विल गिव यू अ टाइम कि हाँ मुझे मंडे को ये करना है, फ्राइडे को ये करना है, और आपको एक बहुत एक इजी प्लान रहेगा। इट विल बी मच इजी फॉर यू टू डू। सी, मंथ इज वेरी लॉन्ग टू प्लान, डे इज वेरी टू शॉर्ट एंड टू टाइट पैक्ड, लेकिन अ वीकली प्लानर आपको बहुत एक्सेस देगा टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। ये वीकली प्लानर की टिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना पूरा वीक प्लान कर सकते हो बेस्ड ऑन द वे आई प्लान माई एंटायर वीक। नंबर 7, हैव स्टैंडिंग मीटिंग्स। दैट मीन्स मीटिंग करते समय अगर आपने लोगों को खड़े रहकर मीटिंग किया, आपकी मीटिंग बहुत शॉर्ट होगी और क्रिस्प होगी। आई हैव सीन पीपल जब मीटिंग करते हैं, अरे क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं, लेट्स डिस्कस, लेट्स प्लान, बैठे 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 बहुत टाइम पास होता है। बट अगर आपने वो मीटिंग को स्टैंडिंग मीटिंग कर दिया, ट्रस्ट मी, आपकी मीटिंग शॉर्टर हो जाएगी और बहुत ही प्रोडक्टिव होगी। नंबर 8, जेन योर एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। जैसे ये मेरा टेबल है, यू वोंट फाइंड एनी अननेसेसरी थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एक भी रॉन्ग चीज, एक भी अनवांटेड चीज आपका अटेंशन ग्रैब करती है और वो आपके प्रोडक्टिविटी को डाउन करेगी। तो ऑलवेज जेन योर एनवायरनमेंट। एक टेम्परेचर रखिए जो आपके लिए कंफर्टेबल है, एयर कंडीशनर का। लाइट ऐसी रखिए जो आपके लिए बहुत सूदिंग है, एंड हैव अ वेरी प्लीजिंग एनवायरनमेंट विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। नंबर 9, आपके मोबाइल में द मोस्ट प्रोडक्टिव ऐप इज द एयरप्लेन मोड। यस माय फ्रेंड, जब भी आपको डीप वर्क करना है,
विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन करना है तो लीजिए आपका मोबाइल और उसको एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्टिव ऐप विच इज एवर इन्वेंटेड। एयरप्लेन मोड में रख दीजिए और फोकस करिए काम पे और देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी गोज टू द नेक्स्ट लेवल। नंबर 10, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे यू विल नॉट हैव द एनर्जी टू वर्क। सो डू वॉट एवर यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे बट एटलीस्ट 20-30 मिनट्स आप अपने हेल्थ के लिए जरूर निकालिए। मे बी योगा, मे बी वॉकिंग, जॉगिंग, जिमिंग, जो भी आपको पसंद है बट वो 20-30 मिनट्स का आप इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो पूरे दिन यू विल बी इन फुल ऑफ एनर्जी। जो आपके हॉर्मोन्स रहेंगे विल बी रियली ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड दैट्स वेयर यू कैन रियली बिकम मोर प्रोडक्टिव। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और यहाँ पे एक सिंपल एफर्मेशन आपके लिए है, आई एम हेल्दी। फोकस ऑन द हेल्थ एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। नंबर 11, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड। यस माय फ्रेंड, स्टीवन को भी बोलते हैं कि जो भी आपको एंड रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट जो लक्ष्य आपको प्राप्त कर रहा है, यू स्टार्ट योर एक्टिविटीज विथ दैट एंड इन माइंड एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू ऑल दोज एक्शंस रिक्वायर्ड टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। बिकॉज अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी अगर आप एक्शन ले रहे हो विच आर नॉट अटैच टू द एंड इन माइंड, तो फिर वो प्रोडक्टिव काम नहीं है, इट्स एक्चुअली अनप्रोडक्टिव। सो ऑलवेज ऑलवेज बिगिन विद एन एंड इन माइंड। और इसीलिए हम बोलते हैं आपको एक आपका गोल कार्ड बनाना है विच टेल्स यू एग्जैक्टली दैट्स द रिजल्ट विच आई वॉन्ट टू हैव इन माई लाइफ। नंबर 12, चंक इट डाउन मीन्स अगर आपका बहुत लंबा गोल है तो ब्रेक करिए उसको, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करिए सो दैट यू कैन रियली स्टार्ट टू सी कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो। बिकॉज लंबा गोल है आपको पता नहीं चलेगा वेदर यू आर ऑन ट्रैक और यू आर ऑफ ट्रैक। सो अगर बहुत लंबा गोल है, मे बी योर फाइनेंशियल फ्रीडम गोल है, तो उसको ब्रेक करिए कि अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 1 महीने में, सो यू रियली आर ऑन ट्रैक। लंबा गोल आपको अचीवेबल लगेगा इफ यू ब्रेक इट डाउन एंड चंक इट डाउन। नंबर 13, हैव अ कैप्सूल वार्डरोब। अब बराक ओबामा को देख लो, मार्क जुकरबर्ग को देख लो, हमेशा एक ही टाइप के कपड़े रहेंगे। द सेम कलर सूट्स फॉर बराक ओबामा, द सेम काइंड ऑफ टी शर्ट्स फॉर मार्क जुकरबर्ग। वाई? वो बोलते कि मुझे सुबह सुबह कौन सा टी शर्ट पहनना, कैसा टी शर्ट पहनना, कि कौन सा सूट लेना, मुझे उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बिकम सुपर प्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, मैं हमेशा व्हाइट शर्ट में आई एम गोइंग टू कम ऑन शूट ऑन यूट्यूब। वेरी सिंपल, वेरी काम, वेरी सूदिंग। तो मुझे डिसाइड नहीं करना कि मैंने पहले ब्लू पहना था कि मुझे अभी ग्रे पहनना है ना। सिंपल वाइट शर्ट दैट रिड्यूसेस माय डिसीजन मेकिंग एंड बिकम्स मोर प्रोडक्टिव फॉर मी टू ऐड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू फॉर यू। सो ऑलवेज हैव कैप्सूल वार्डरोब, हैव अ सेम काइंड ऑफ वार्डरोब। तो सुबह उठ के आपका डिसीजन विल बी वेरी फास्ट, मुझे यही चीज पहननी है। दैट्स द नंबर 13th। नंबर 14, Have a time sheet. Yes, my friends. अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि एक टाइम शीट बना लीजिए जिसमें एक सिंपल एक्सेल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसकी टेम्पलेट हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कैसे करना है आपको। एंड इन दैट टाइम शीट आप अपने टाइम को 15-15, 20-20 मिनट के इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। अगर बहुत टैक्सिंग लगे आपको तो यू कैन डिवाइड इट इन हाफ एन आवर और मे बी 1 आवर ऑल्सो। एंड यू राइट डाउन ऑन रियल टाइम बेसिस कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी यूट्यूब शूट कर रहा हूँ तो आई विल से कि फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई हैव शॉट माई यूट्यूब वीडियो। उसके बाद में इफ आई एम चेकिंग माई ईमेल्स आई विल राइट इट डाउन। ये टाइम शीट अगर आप एनालाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज कि मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने कितना टाइम प्रोडक्टिव रखा और कैसे आपकी टाइम जो प्रोडक्टिव टाइम है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यूजिंग दिस पावरफुल टेक्निक ऑफ अ टाइम शीट। इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड दिस फ्री कॉपी ओवर हियर आल्सो। नंबर 14, ऑर्गेनाइज योर मोबाइल एप्स इनटू स्पेसिफिक फोल्डर्स। आपके मोबाइल में एक फैसिलिटी है जहाँ पे आप अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग एप्स डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे मोबाइल में आपको पूरा क्लीन स्लेट मिलेगा। यू फाइंड ओनली 4 or 5 फोल्डर्स जहाँ पे मैंने सारे जो भी मेरे काम के ऐप्स है वो मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिए। फॉर एग्जाम्पल सारे सोशल मीडिया के ऐप्स जो मुझे चाहिए आई पुट इट इन 1 फोल्डर, ऑल प्रोडक्टिविटी ऐप्स आर इन 1 फोल्डर, ऑल रेगुलर ऐप्स विच आई यूज इन 1 फोल्डर। दैट रियली हेल्प्स मी कि मुझे कोई भी ऐप मुझे ढूंढना है तो मुझे स्क्रॉल नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू गो इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर एंड इमीडिएटली आपको ऐप मिल जाएगा। फोन विल बी वेरी क्लीनर और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा जब भी आपने फोन निकाला कि यार मुझे यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है। नो, आई जस्ट गो ऑन दैट ऐप विच आई वॉन्ट टू यूज। That's a real strong productive tip. Tip number 16, meditation. Yes, my friend, itna busy mat hoiye ki you cannot give time to meditate. I would highly recommend ki at least 10 minutes in a day you should meditate.
और यहाँ पे आई वुड रिकमेंड टू डू आनापाना मेडिटेशन वेर यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. यू कैन डू वॉट एवर विच यू फील, बट दिस इज माई रिकमेंडेशन. यू कैन गो फॉर मे बी साउंड मेडिटेशन, मे बी गाइडेड मेडिटेशन, मे बी लुकिंग एट द डॉट, और मे बी कैंडल गेजिंग, और मे बी रोज, वॉट एवर वे सूट्स यू. लेकिन आनापाना मेडिटेशन इज देयर ऑन माई यूट्यूब चैनल, जो हमारे गुरु जी एस एन गोयनका जी ने हमें गिफ्ट दी है. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. और वो 10 मिनट्स का जब आप पॉज लेंगे फ्रॉम योर बिजी रूटीन, that is going to give you that kind of power and energy and focus. अपने मन को वश में कर देंगे and that's going to multiply your productivity. So always pause and give 10 minutes of your precious time for meditation. I think that's a super productive hack. Number 17, have a pen and pencil or a notepad handy with you. Yes, my friend, mobile तो रखिए, laptop तो रखिए, लेकिन एक pen और पेंसिल और मे बी अ नोटपैड जहाँ पे आप अपने आइडिया स्क्रिबल कर सकते हो, लिख सकते हो, दैट्स अ रियल स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिव हैक. जैसे आप अपने अपने पेन पेंसिल अपने हैंड्स को यूज करते हो, समथिंग हैपन्स इन योर कॉन्शियस माइंड कि वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स टू चेंज, और वो थॉट प्रोसेस जैसे चेंज होते वो इम्प्रेस करते आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आइडियाज और क्रिएटिविटी एंड दैट इम्प्रेशन चेंजेस इन योर सबकॉन्शियस माइंड. सो ऑलवेज यूज अ पेन पेंसिल और अ नोटपैड, जो हम भूल गए कैसे लिखना, और इसको स्टार्ट करिए. दिस इज अ रियल पावरफुल प्रोडक्टिव हैक. नंबर 18, सेटिंग अप ऑटो पेमेंट फैसिलिटी. हाँ यार, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी है, गैस का बिल भरना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, ये करना है, केबल रिचार्ज करना है, इंटरनेट रिचार्ज करना है, हर महीने करते रहते, इसको आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी डाल दीजिए. आई एम टेलिंग यू, आपकी बहुत सारी हेडेक्स कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज इसका अमाउंट चेंज नहीं होता अनलेस यू वांट टू चेंज योर प्लान एटसेट्रा. सो इसको ऑटो डेबिट मोड पे जितना डाल देंगे, आपकी प्रोडक्टिव, आपका टाइम इतना बचेगा. दैट्स द नेक्स्ट हैक विच यू नीड टू फॉलो. नंबर 19, Calendly सिस्टम फॉर scheduling योर कॉल्स. अगर आपको अपने टाइम स्लॉट्स को देना है किसी को कि मुझे ये टाइम पे कॉल करना, यूज दिस ऐप कॉल्ड Calendly, जहाँ पे आप एक लिंक दे सकते हो और उस लिंक में आप टाइम स्लॉट्स डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इस समय कॉल करिए ताकि मैं मेरा अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाऊँ. आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल हैक विच यू कैन यूज टू एक्चुअली मॉनिटर योर टाइम. और जब भी आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे, तभी लोग आपके टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे. नंबर 20, कनेक्टेड टू द प्रीवियस ऐप इज एग्जैक्टली हाउ टू गिव योर टाइम. कई बार लोग मुझे पूछते हैं, सर मुझे आपका 10 मिनट का टाइम चाहिए, 15 मिनट का टाइम चाहिए, तो मैं देता हूँ टाइम उनको. और कैसे देता हूँ, आई गिव अ टाइम स्लॉट लाइक दिस, 10 मिनट्स का टाइम चाहिए, फाइन, यू कॉल मी एट 3:50 PM और मे बी लेट यू कॉल मी एट 5:50 PM. दैट मीन्स उनको पता है कि 6 बजे तक मुझे मेरा कॉल कंप्लीट करना है. वेरी पावरफुल. सी, इफ यू गिव अ टाइम, लेट्स से आप मुझे 6 बजे फोन करना, तो 6 बजे से कितना टाइम होगा वो पता नहीं है. 6 is an open kind of a time slot. लेकिन 5:50 का टाइम दिया तो एक मेंटली, एक साइकोलॉजी, एक कट ऑफ हो जाता है कि 6 बजे तक की मेरा टाइम है. सो द वे यू गिव योर टाइम स्लॉट्स टू अदर पीपल कि ये समय मुझे फोन करना, कि ये समय हम मिलते, दैट ऑल्सो डिफाइंस हाउ यू गोइंग टू वैल्यू योर टाइम एंड इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी. नंबर 21, have a power nap. Oh, I love this. When I get up early in the morning, maybe 4:30, 5 o'clock, 5:30, depending upon when I get up. But I always have a power nap. A power nap after my lunch, where I start to recreate myself, to rejuvenate myself, to be refreshed for the second half of the day, because sometimes my programs go late in the night. But a power nap, in case if it is not possible, it's absolutely fine. But if possible hai, so I would highly recommend have a power nap, have a cat nap. But ensure ki wo power nap 10 से 20 मिनट से ज्यादा ना हो. अगर 20 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो फिर यू विल फील ग्रॉगी, यानी आप विल बी फीलिंग इन अ वेरी स्लीपी मोड. तो मैक्सिमम 20 मिनट्स का पावर नैप ड्यूरिंग द डे इज गोइंग टू मेक यू सुपर प्रोडक्टिव. ट्राई इट आउट, इट हेल्प्स. नंबर 22, डोंट जॉइन अ मीटिंग विदाउट एन एजेंडा. जब भी कोई मीटिंग में कोई इन्वाइट करता है, पहले पूछो एजेंडा क्या है. अगर एजेंडा नहीं है, अगर एजेंडा आउटलाइन नहीं किया है, refuse to go for the meeting, because there is no point in going for a meeting jahan pe koi agenda nahi ki hum kya discuss karne wale. Agar agenda rehta hai, so we have a structure ki point number 1, point number 2, point number 3, ye sare points discuss karne wale hai, and that gives you lot of productive time during the entire meeting. So don't join any meeting without an agenda. Number 23, listening to YouTube videos or podcasts at 1.5x speed.
ये एक रिसर्च की गई है कि अगर आप समझो YouTube सुनते हो कि मे बी पॉडकास्ट सुनते हो, तो उसको नॉर्मल 1x स्पीड से आप चेंज कर दीजिए। आप गियर सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे जो गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, यू चेंज इट टू स्टार्टिंग में भी 1.25 से करिए, बट इंक्रीज इट टू 1.5x स्पीड। शायद से आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन की डिफिकल्टी आएगी, बट इट इज़ अ प्रोवन थिंग कि यू विल बी एबल टू स्टडी मोर, यू विल बी एबल टू ग्रास इन्फॉर्मेशन मोर, एंड यू विल बी टू अप्लाई मोर इफ यू हैव दिस 1.5x स्पीड। सेम इन्फॉर्मेशन आप छोटे समय में ले पाएंगे by just changing the speed of listening to YouTube or the podcast. Try it out. I do this and it's really helped me to increase my productivity. Number 24, block time out for distraction. You're going to love this. अरे यार मेरा इंस्टा का क्या होगा, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स का क्या होगा, मुझे कभी जाओ यूट्यूब पे, कभी नेटफ्लिक्स देखो। आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, बट पहले से प्लान कर दो कि चलो दोपहर को 2 से 2:30 बजे आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माय मी टाइम। मैं बस फेसबुक पे जाऊंगा, मैं नेटफ्लिक्स पे जाऊंगा, मैं बस मजे करने वाला हूँ। सो व्हेन यू ब्लॉक दैट टाइम यू डोंट फील गिल्टी। पूरा दिन मत देखिए, और चलो आधा घंटा दे दिया, मे बी रात को आपने आधा घंटा दे दिया, दैट्स फाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिक्रिएट योरसेल्फ। और जब भी आपने ब्लॉक कर दिया टाइम, यू ब्लॉक योर टाइम आउट फॉर डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज दैट अवॉइड्स बीइंग डिस्ट्रैक्टेड इन द अदर टाइम। सो रियली हैव दिस ब्लॉकिंग आवर्स, इट्स हेल्पिंग यू टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। नंबर 25, वन ऑफ माय फेवरेट्स, पावर टू से अ नो। Yes, no means no. I think this is one of the most powerful productive hack. Agar aapko productive banna hai, so you got to say no. You got to have the power to say a no. When you say a no, not rudely, not rudely, but say politely, no, I can't do this right now because I've got some deadlines to meet. No, maybe I can do this later on. Main baad mein karunga to chalega aapko. Yeah, be polite. But when you say a no, you are saying a yes to the better things in life. You might have to say no to good things in life, but that means you have got the time and you're saying a yes to the things which are important. Jo aapki cheeze aapke liye zaruri hai, uske liye aap yes bol rahe ho. So always have the power to say a no. Apni no ki script ko ready kar dijiye, and that's a real powerful productive tip for you. Number 26, the Ivy Lee method. Iska alag se maine video banaya hai hamare YouTube pe, jo Ivy Lee method kya hai, jahan pe before we go off to sleep, we write down the 6 goal achieving actions, not time pass actions. Goal achieving actions, jo hame actions leni hai, aur usko hum likhte hai, prioritize karte hai ki this is action 1, action 2, action 3, action 4. And next day in the morning, we start with the first action, and we will not go to the second action jab tak humne hamari first action complete nahi ki hai. Very powerful technique, the Ivy Lee method. Iska alag se video banaya hai, usko pura dekhiye end tak, and see how you can really start to multiply your productivity. Number 27, the grayscale mode in your phone. अरे इतने कलरफुल ऐप्स हैं हमारे मोबाइल में, कितना अच्छा लगता है हमारे ऐप्स को देखने का। हाँ, दैट इज द डिस्ट्रैक्शन विच इज हैपनिंग देयर। अगर आपको आपका स्क्रीन टाइम कम करना है, तो वॉल स्ट्रीट की रिसर्च बोलती है कि अगर आपने आपकी फोन को ग्रे स्केल मोड में यूज कर दिया, दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट, एंड देयर इज अ सिंपल शॉर्टकट ऑल्सो ऑन आईफोन जहाँ पे आप शॉर्टकट अपने क्लिक्स को कर देंगे, या मे बी यू क्लिक ऑन योर फोन एंड ऑटोमेटिकली विद 3 क्लिक्स यू कैन हैव अ ग्रे स्केल मोड दैट रियली हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ योर स्क्रीन इन अ मच फास्टर वे। इमेजिन IPL या मे बी इफ यू वॉचिंग नेटफ्लिक्स, क्या ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे यार, मजा नहीं आएगा, यू शट इट ऑफ। सिमिलरली अगर आपने अपने फोन स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ग्रे स्केल मोड में कर दिया, तो आप ज्यादा समय आप स्क्रीन पर नहीं रहेंगे, यू रिमूव दिस। ट्राई इट आउट, इट्स अ वेरी पावरफुल हैक। और इसका कैसे करना है, आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, इट्स अ वेरी सिंपल शॉर्टकट वे हाउ यू कैन कन्वर्ट एंड्रॉइड एंड आईफोन इनटू अ ग्रे स्केल मोड। नंबर 28, सेलिब्रेट योर विंस। अरे जब भी दिन में कोई चीजें अनचाई मनचाई होती है, तो कोई भी चीज याद करिए वेर यू हैव रियली अचीव्ड समथिंग्स इन लाइफ, बिकॉज अगर वो मोमेंटम आता है ना कि यार आई हैव अचीव्ड दिस थिंग्स, यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। जब भी वी आर डाउन एंड आउट एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग, वी आर ड्रेनिंग ऑन अवर एनर्जी, तो कभी कोई भी एक चीज याद करिए विच इज रियली वर्कड इन योर लाइफ, एंड यू स्टार्ट द गेटिंग द मोमेंटम ऑफ अ विन ऑफ द डे। सेलिब्रेट करिए अपने विन को, दैट यस आई एम अ सक्सेस, just do this, I have a success, and you can start to move forward and become more productive. Changing your energy starts to change your productivity. Number 29, keep your phone alarm outside your room. Yes, my friend. कितनी बार हमने स्नूज किया है मॉर्निंग में, एक बार 10 मिनट, दूसरी बार 10 मिनट, तीसरी बार 10 मिनट, अरे बाप रे कहाँ आधा घंटा चला गया पता नहीं लगता है।
लेकिन अगर आपने आपके फ़ोन पे जहाँ पे आप अपना अलार्म लगा रहे हो मॉर्निंग का, उसको आपने बाहर अपने बेडरूम के बाहर चार्जिंग में लगा दिया, तो आपको उठना ही पड़ेगा। एंड जब भी आप वर्टिकल हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, तो वापस सोना बहुत डिफिकल्ट है। सोए सोए चल थोक ठीक है या स्नूज कर दे कर दे कर दे, वो आपका आधा घंटा निकल जाएगा। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोडक्टिव हैक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कीप योर अलार्म आउटसाइड योर रूम, कीप योर फोन चार्जिंग आउटसाइड योर रूम, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। नंबर 30, सेट अप अ पासवर्ड सिस्टम। कितनी बार हमने हमारा पासवर्ड भुला दिया, राइट? और कितना समय लगा यार, फॉरगेट पासवर्ड में जाओ, फिर वो ईमेल का वेट करो, फिर ईमेल की लिंक दबाओ, फिर वापस से रीसेट करो, फिर बोलते कि ये पासवर्ड नहीं चलेगा, आपको कुछ नया चाहिए, अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ कैपिटल में डालना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डालने, अरे बाप रे, फिर वो कैप्चा एंटर करना है, कैप्चा बार 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 एंटर करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। टू अवॉइड ऑल दिस, have a setup of a password management system. There are many many tools available in the market. You can go on Google and check it out ki kaise kaun sa tool jo aapko suit karta hai, but ek system bana dijiye aapke sare passwords ko manage karne ka, your emails, your drives, etc. It's a very powerful productive hack which can help you to save lots and lots of time which unnecessarily gets wasted in resetting the passwords. Number 31, be minimalist. हाँ, तीन शर्ट नए आए तो पहले तीन शर्ट निकाल दो, फिर तीन शर्ट लाओ। क्यों? बिकॉज जैसे नई नई चीजें आती जाती है, इट बिकम्स टू मच क्राउडी। मिनिमलिज्म इज गोइंग टू मेक यू सुपर प्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ नया मोबाइल का कवर खरीदा तो पहले जुना निकाल दो यार, तो ही तो नया आएगा। बिकॉज अगर आप नया भी रखते हो, जुना भी रखते हो, पुराना भी रखते हो, उसके पहले का भी रखेंगे, कितना रखेंगे? आपके वार्डरोब को ओपन करिए और देखिए कि एक एक साल तक जो चीजें आपने यूज नहीं की, निकाल, बार बार फेंको। एंड डोंट जस्ट ट्रेड इट ऑफ, जस्ट सेल इट, और जस्ट गिव इट टू चैरिटी। डोंट सेल इट, जस्ट गिव इट टू चैरिटी। दैट्स द रियल वे टू बिकम मिनिमलिस्ट इन लाइफ। और जब भी आप मिनिमलिज्म यूज करेंगे, तभी यू स्टार्ट टू सी द पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी। 32 इज स्पार्क जॉय। स्पार्क जॉय मीन्स मैरी कॉन्डोज की एडवाइस यूज करिए। देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग and everything is in its place. क्या आपने कभी अपनी चाबी खोई है? कभी आपके एयरबड्स खोए हैं? कभी आपका मोबाइल खोया है? कभी आपका वॉलेट आपका रह गया है? क्यों होता है? Because we don't have a specific place assigned for everything. अगर आपने हमें हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक प्लेस रख दी कि ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और हर चीज़ को वो जगह पे रखा, you will never ever lose time in searching for things. So that is where we say everything in its place and a place for everything. Follow Marie Kondo's advice of how to really spark your entire environment, to really have a clean environment, and that's going to be making your life more productive. अभी आजकल बहुत सारे tracking devices भी available है, ताकि अगर आप भूल जाते हो कि मुझे मैंने मेरा मोबाइल कहाँ रखा, तो AirTag या अलग अलग apps available है जो आपको track कर पाए, find my phone etc. कि आपका फोन कहाँ पे है, आपका मोबाइल कहाँ पे रखा है, immediately आप track कर पाएंगे using these particular apps also. So that's also a productive app for you. Number 33. Take a system of regular backups. कितनी बार हो गया है कि यार वो बैकअप नहीं लिया, एंड द सिस्टम फेल्ड, एंड नाउ आई डोंट हैव टू हैव द, मुझे वापस से दोबारा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या करिए, मे बी आपके मोबाइल की बैकअप हिस्ट्री, मे बी आपके व्हाट्सएप की बैकअप हिस्ट्री, इसका एक सिस्टम बना दीजिए। एवरी मंथ आई एम गोइंग टू डू दिस, और मे बी एवरी टू मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डेटा कितना सेंसिटिव है और आपको कितना बैकअप इंपॉर्टेंट है। कीप अ सिस्टम ऑफ रेगुलर बैकअप्स। इसको आप ड्राइव पे रख सकते हो, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एप्स अवेलेबल ऑल्सो के जहाँ पे आप पैकेजेस ले सकते हो यहाँ पे, बट रेगुलर बैकअप्स आपको बहुत आपका हेडेक कम कर देगा। बिकॉज आई नो रीवर्क के लिए जितनी एफर्ट्स लगती है, उससे बेटर एक सिस्टम बना दो आपके बैकअप्स का, दैट्स गोइंग टू मेक यू सुपर प्रोडक्टिव। 34, एन ईमेल मैनेजमेंट टूल टू रिमूव ऑल द स्पैम ईमेल्स। आई मीन इतने जंक ईमेल्स आते हैं, आप देखेंगे मे बी 100, 200, 300 मेल्स आपको दिन में आते होंगे, और अगर आपको जीरो इनबॉक्स में जाना है एट द एंड ऑफ द डे, आपको वो सारे स्पैम्स हटाने पड़ेंगे। सो देयर आर मेनी मेनी एप्स अवेलेबल, मे बी unenroll.me करके है, और बहुत सारे एप्स अवेलेबल है जहाँ से आपने जितने भी जो अनसब्सक्राइब जो आपको करने हैं सारे ईमेल लिस्ट से, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आई थिंक यूज दिस सिस्टम ताकि आपका इनबॉक्स बहुत नीट रहे, बहुत क्लीन रहे, एंड देयर इज नो जंक ईमेल कमिंग इन ओवर हियर रेगुलरली, एंड यू ऑलवेज क्लीन योर ईमेल सिस्टम सो दैट यू ओनली हैव टू लुक एट द ईमेल्स जो आपके लिए रेलेवेंट है। That's also a productive hack for you. Number 35, take a cold shower. Yes, morning में जब भी आप shower के लिए जाएंगे, don't think of going in a proper lukewarm temperature. उसके बाद में मैं shower मिला हुआ, no. As soon as you enter the shower, whatever is the temperature of the shower which is coming in,
immediately be inside the cold water. Why? It is actually conquering your mind. See, you are controlling your body. You're conquering your procrastination, which your body is going to do by conquering your mind. जैसे आप वो अनकंफर्ट जोन में जाते हो, यू आर कमिंग आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन. दिस टेक्निक इज वेरी पावरफुल टू मेक यू प्रोडक्टिव थ्रू आउट द डे, बिकॉज यू आर डूइंग द थिंग्स विच आर रियली रेलेवेंट. यू आर डूइंग द थिंग्स विच आर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन बाय टेकिंग अ कोल्ड शॉवर इन द मॉर्निंग. यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड सेट. ट्राई इट आउट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज और देखिए कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो. एंड नंबर 36 इज रिमेंबर, वी आर गोइंग टू डाई वन डे, मोमेंटो मोरी. दैट मीन्स we are not immortal human beings. Hum yahan aaye hain aur kal nahi rahenge. And when we have this fact that we are going to be there only for a limited period of time, it creates a sense of urgency. It makes us more productive. Steve Jobs ka example hai, jab wo apne aap ko aaine mein dekhte the roz aur poochte the, will I do this if this was my last day? Aur agar 2-4 din ke baad mein agar answer no aata tha, he would stop doing what he was doing. So really ask yourself ke if this was my final day or I've got only limited time, will I waste my time or will I be the best version of myself? Will I be the most productive person which I can become? I think that's a very powerful tip which you can have that makes you productive. That's the final tip for you, the 36th one, that we are all mortal human beings. We are going to die one day. These are the 36 productive tips which I wanted to share you in this particular video. आपकी कौन सी फेवरेट टिप है जो आप यूज़ करेंगे? प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड वी लाइक टू सी एंड लिसन फ्रॉम यू कि आप कौन सी टिप यूज़ करने वाले हो और कौन सी चीज़ें आपको इसमें बेटर लगी. प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टेल अस व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस व्हिच यू वांट टू मेक मी सो आई कैन गिव आउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आई एम सिद्धार्थ शाह. लेट्स गेट रेडी टू थिंक एंड ग्रो रिच.